शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस सिरे को सही वक्त और सही जगह पे लाए हो बिरजू। जारा बाई को ऐसे ही नायाब हीरे की तलाश थी। माल हमारी पसंद का है, कीमत तुम्हारी पसंद की होगी। बोलो क्या कीमत लोगे? लड़की बेचकर पैसे कमाना बिरजू का धंधा नहीं है जोरा भाई। क्या मतलब? जिस दिन इसके पांव में घुंघरू बांधकर इसे महफिल की रौनक बना दोगी, समझ लेना बिरजू को उसकी कीमत मिल गई। ये क्या कीमत हुई? लगता है इस चांद ने दिल में ठंडक पहुंचाने की बजाय दिल जला डाला है। मियां समझ लो इसके पांव में घुंघरू बंद गए। विक्रम भैया। विक्रम भैया, इसका मतलब है दीनानाथ का कोई भाई भी है जिसका नाम है विक्रम। विक्रम क्या सोच रहे हो राजा? कुछ नहीं, इसे जब भी होश आ जाए तो इसे ये जरूर बता देना कि तुझे कोठे पर बिठाने वाला और तेरी तकदीर की लकीरें बदलने वाले का नाम बिरजू है। तड़प तड़प कर अपने आंसुओं से ये जितना मुझे कोसेगी, मेरी तड़प को उतनी ही शांति मिलेगी। वाह खुदा, तेरा भी जवाब नहीं राजा। जब देने पर आता है तो बिना छप्पड़ फाड़े ही दे देता है। कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? घबराओ नहीं राजा, ये वो जगह है जहाँ आने वाली हर लड़की दौलत के सिंहासन पे बैठकर मर्दों के दिलों पे राज करती है। राज? राज? मैं समझी नहीं, तुम हो कौन? जहरा बाई का नाम और कोठा सारी बंबई में मशहूर है राजा। कोठा? लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो, कौन लाया मुझे और क्यों लाया? तेरे पाँव में घुंघरू बांधकर तुझे तवायफ बनाने के लिए बिरजू छोड़ गया है यहाँ। बिरजू? कौन बिरजू? वो कौन होता है मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाला? जोहरा बाई, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी बेवकूफ नहीं हो राजा कि हाथ आए खजाने को इतनी आसानी से जाने दूँ। याद रहे, आज से ये कोठा ही तेरा घर है और तू एक तवायफ। खबरदार जो मुझे एक तवायफ कहा तो। एक तवायफ और एक शरीफ लड़की में उतना ही फर्क होता है जितना इस कोठे और एक मंदिर में होता है। मैं एक शरीफ और राजा, यहाँ आने वाली हर लड़की की इज्जत और शराफत इस कोठे की चार दीवारी के बाहर ही रह जाती है, समझे? लेकिन इस लड़की ने एक बार अंदर पांव रखा कि उसके पांव घुंघरों की जंजीरों से इस तरह जकड़ लिए जाते हैं कि वो पांव नाचते नाचते टूट तो सकते हैं लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते राजा। नहीं, तुम मुझे यहाँ रहने और अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर मजबूर नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। राजा, इस पिंजरे में फड़फड़ाने वाली चिड़िया के पर हम काट देते हैं, समझी? जोरा भाई, तू मुझे ज्यादा दिन तक इस पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकती। जिस दिन मेरा भाई विक्रम मुझे ढूंढता ढूंढता तेरे इस कोठे तक आ पहुंचाना, उस दिन ना तू रहेगी ना तेरा ये कोठा। अगर तू पाताल में भी होता तो भी मैं तुझे ढूंढ निकालता बिरजू। रुको रुको, हम बिरजू नहीं है, हम बिरजू नहीं है, माँ कसम हम बिरजू नहीं है। अरे लो लो, हम तो खाली तुमको बनाने गए थे, तुमने तो हमारा पूरा का पूरा जबड़ा हिला दिया। देखो, अगर तूने नहीं बताया कि बिरजू कहाँ है तो जबड़ा तोड़कर हाथ में दे दूंगा। हाथ में देना तो हमका भी हाथ है,
किंतु हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। क्या बोला? हमने बोला था कि वो रामपुर गया है, अभी तक गांव से नहीं लौटा। रामपुर से आकर उसे कई रोज हो गए हैं। हाँ, लेकिन हियाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आया तो कहाँ मिलेगा? अरे मिलेगा कोनो दारू के अड्डे पे बोतल से लिपटा हुआ। आप उन फिर आएगा, अगर वो आए तो उसे कह देना कि रामपुर से सीता का भाई विक्रम आया था और उसकी मौत बनकर उसे ढूंढ रहा है। हम कह देंगे, लेकिन देखना सिर्फ इतना है कि जब मिलन होगा तो कौन की किकरी मौत है। मुरली मनोहर बिजवासी, एको बात हमरी समझ में नहीं आते। या जो भी आता है बिरजू का पता भी हमसे पूछ के जात है और ठुकाई भी हमरी करके जात है। कहे अरे ओ बिरजू महाराज, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अरे दो मिनट देर से आए, अच्छा किया। और मौत गई यहाँ से। क्या बक रहा है तुम? अरे हम बकत नहीं भैया, हम बता थे ऐसन हाथ जमा थे लौंडा, ऐसन हाथ जमा थे। हमका तो खाली रामायण बता के गया, महाभारत तो तुमका दिखाई। बिरजू उस्ताद, या तो हमारी पगार थोड़ी बढ़ाए दियो, या पैसा हमका मिलता है कम और मार मिलत है ज्यादा। जेकब आया था क्या? वो जेकब का तो हम अकेला ही निपटने काफी है, लेकिन हम बता दे अगर दोबारा वो लौंडे का हाथ हमरे थोबड़े पे पड़ाना तो हमरे बाप के सराज के साथ अगले बरस हमरा भी सराज बनाओगे। क्या नाम बताया था उसने? मनोज नाम का, बहुत कहता था रामपुर से आया है। विक्रम? हाँ, वही नाम था, मनोज नाम था, विक्रम। कहता था सीता का भाई है विक्रम। कहाँ है वो? कहाँ है विक्रम? हमका कौन है बिरजू? अरे वो तो एकदम आपका हाथ। मैं कब का पूछ रहा हूँ, बता कहाँ है बिरजू? कौन से? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है विजय साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हम मुरली, मुरली है हम। वो बिरजू जो है ना, वो गया है रामपुर। रामपुर से बिरजू एक लड़की उठाकर बम्बई भाग आया है, वो यही आएगा। कौन कहे, तुम यही ठहरो। ठीक है सर, बिरजू जरूर यहाँ आएगा। लगता है ये इलाका मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, पर याद रखना जब भी विक्रम आए मुझे खबर कर देना। वो तो हम कर देंगे, मगर एक बात तो बताओ सरकार, ये छोकरिया कौन है, ये कहाँ है? ये मातम छोड़ और थोड़ घुंघरू बांध, और मैं बांधूंगी हरगिज नहीं। देख राजा, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पाँव में घुंघरू बांध लेगी तो दौलत और शोहरत तो मिलेगी ही, इज्जत भी बरकरार रहेगी। ना मैं इज्जत बेचूंगी और ना ही मैं नाचूंगी। तुझे तो कहना पड़ रहा है राजा, वरना जोहरा ने तो न जाने कितनों को सिर्फ इशारों पे नचा दिया है। नाचेगी राजा, तू भी नाचेगी। ये लो पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हो बिरजू उस्ताद, मुझ पर तुम्हारे इतने एहसान हैं कि जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसानों को धंधे में डालेगा तो भूखा मर जाएगा। ये ले। जियो मेरे बेटे। क्या चाहिए बिरजू? बिरजू? क्या कोई बिरजू नाम का आदमी आता है? हम यहाँ दारू पिलाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनाते, त्योहारी का नाम दर्ज करते फिरे। सीधे से बोल, क्या बिरजू नाम का आदमी आता या नहीं, वरना ये दारू का धंधा बन करके राशन कार्ड बनाने लगेगा। नहीं साहब नहीं, बिरजू नाम का कोई आदमी नहीं आता। मगर आप हैं कौन? विक्रम। बिरजू, उस दिन तो अपनी ताकत का जरा सा नमूना दिखाया था जिसे तुम जुलूस समझ बैठे। अरे अगर असल में तेरा जुलूस निकाला होता ना
तो तेरी लाश इन्हीं चमचों के कंधों पर होती जिनके कंधों पर तू यहाँ सवार होकर आया है। मार इसको, मार मार के इसका थोड़ा इतना बिगाड़ दो। मारो। ये तो कल सुबह पता चलेगा कुत्ते, जब म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश को कुत्तों की लाशों की तरह कसीद करने जाएंगे। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। जैकब भागले वरना पैकअप हो जाएगा। भागले भागले। अरे मैं तुम्हारी जात का पैरपाट मारूं। तेरा उन लोगों से झाड़ा क्या है? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। एन वक्त पर मेरी जान बचाने पहुंच गया और मुझ जैसे लावारिस को अपने घर ले आया। तो क्या मरने के लिए तुझे सड़क पर छोड़ा था? अपना तो यही दस्तूर है दोस्त, या तो हाथ बढ़ाओ नहीं, और अगर बढ़ाओ तो फिर हटाओ नहीं, चाहे दोस्ती पर जान क्यों न कुर्बान हो जाए। एक बात बता। क्या? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? कुछ दिन पहले तो सब थे, मां बाप और बहन, मगर अचानक एक आंधी आई और गुलशन जैसा हरा भरा घर शमशान में बदल गया। मुझे सब छोड़कर चले गए। माफ करना दोस्त, शायद मैंने तेरा दिल दुखाया है। वैसे तू करता क्या है? तलाश, उस राक्षस के भाई की तलाश जिसने मेरे खानदान के साथ खून की होली खेली। रखी भी तेरी तरह तलाश का मारा हुआ है। खैर, तूने अपना नाम नहीं बताया। विजय है मेरा नाम, इसके पहले कुछ और था जिसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तू कहे तो बता दो। जो मेरे दोस्त के जख्म को कुरेद डाले वो नाम नहीं नश्तर होगा मेरे लिए। तुझे आराम की जरूरत है और मुझे तलाश की। इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है उसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता।